ईरान समर्थित प्रॉक्सी वॉर लगातार इसराइल पर हमला कर उसे दहला रहे हैं। इसराइल के लेबनान में सैन्य घुसपैठ शुरू होने के बाद से इराक के प्रतिरोध गुट एक्टिव हो गए हैं। समूह के लड़ाके इसराइल के हर एक कोने पर ड्रोन रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। इसराइल को बड़ी चोट पहुंचाने और उसके ऑपरेशन को बाधित करने के मकसद से लड़ाकों की बम वर्षा जारी है। एक बार फिर इराकी प्रतिरोध ने इसराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। समूह ने अपने दावे की पुष्टि के लिए वीडियो फुटेज भी शेयर किया है। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने इसराइल के कई इलाकों में अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमले कर हड़कंप मचाया है। इसराइल के लेबनान और गाजा में ऑपरेशन चलाए जाने के प्रतिशोध में इराकी समूह ने ताजा हमलों की जिम्मेदारी ली। प्रतिरोध ने बताया कि उसने बीते 5 अक्टूबर की सुबह कामिकेज ड्रोन से 3 महत्वपूर्ण इजरायली साइट्स पर हमला किया। समूह ने अपने खतरनाक हमलों के पीछे की वजह इसराइल के नरसंहार का विरोध बताया। प्रतिशोध ने स्पष्ट शब्दों में इसराइल को चेताया कि वह इसराइल के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना और नष्ट करना जारी रखेगा। इस्लामिक प्रतिरोध ने इसराइल के तटीय शहर हाइफा के पास और दक्षिणी इसराइली इलाकों पर मिसाइल हमलों से जबरदस्त वार किया। समूह ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि ताजा ऑपरेशन एडवांस अरकाब क्रूज मिसाइल के साथ किया गया। हिजबुल्ला ने हाइफा के पास इसराइली हवाई अड्डे पर रॉकेट दागकर इलाके में खलबली मचाई। इस बीच इराकी प्रतिरोध समूह के नेता ने इसराइल पर तल्ख लहजे में बड़ी धमकी दे डाली है। असेब अहल अल हक के प्रमुख कैस अल खजाली ने कहा कि हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला के खून का एक एक कतरा बेकार नहीं जाएगा। धरती से इजरायली शासन का खात्मा हो जाएगा। हम एक प्रभावशाली जीत हासिल करेंगे। हम पूरे इलाके में, खास तौर से इराक में, अन्य सभी प्रतिरोध बलों की तरह लेबनान में अपने भाइयों के साथ तब तक एकजुट हैं जब तक कि अंतिम जीत हासिल नहीं हो जाती। बता दें कि इसराइल के बढ़ते हमलों के बीच इराकी प्रतिरोध ने मोर्चा संभाला है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद से इराकी गुट ने इसराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। समूह ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इसराइल के किसी भी संभावित जमीनी कार्रवाई के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ मिलकर सीधा टकराव करेंगे। मालूम हो कि इसराइल ने लेबनान पर अपने हमलों की रफ्तार को बढ़ाया है। हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने के बाद लेबनान कूच किया है। वहीं लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने कहा कि लड़ाकों ने लेबनानी सीमा से करीब 45 किलोमीटर दूर हाइफा के पास इजरायली रमत डेविड एयरबेस पर फदी 1 रॉकेट दागे। ये हमला गाजा में दृढ़ फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ उसके सेनानियों के समर्थन में और बर्बर इजरायली उल्लंघन के जवाब में किया। लड़ाकों ने 2 फलक 2 मिसाइलों से सासा की अवैध बस्ती पर निशाना बनाया। अल बेट हाइट्स की ओर से बढ़ रहे एक इजरायली मरकवा टैंक को गाइडेड मिसाइल से उड़ाया। हमले में टैंक में सवार इजरायली बलों के जवान हताहत हुए। इजरायली बमबारी के जवाब में सफेद और करमिल शहरों पर रॉकेटों की बौछार की। लोअर गलीली में सकनी शहर के पास एक और हमला हुआ, जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एटीए मिलिट्री इंडस्ट्री कंपनी पर रॉकेट से हमला किया।